दोस्तों थोड़ा सा सब्र करिए, ये देखिए दोस्तों मिस्टर राजेश खन्ना सर का घर। दोस्तों जो आपको पूरी बिल्डिंग दिखाई दे रही है, मिस्टर राजेश खन्ना सर का घर है। सो हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग वीडियो। दोस्तों आज एक नए वीडियो के साथ स्वागत करते हैं हम। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं बॉलीवुड के बादशाह, बॉलीवुड के पुराने बादशाह कहे जाने वाले मिस्टर राजेश खन्ना सर का घर। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने कई सारी लगभग 181 फिल्मों में काम किया है और जो आज हमारे बीच नहीं है, लगभग उनकी मृत्यु 8 से 10 साल पहले हो चुकी है। तो मैं अगर आपको बताता चलूँ उनके जन्म के बारे में, तो इनका जन्म दोस्तों 29 दिसंबर 1942 ईस्वी में हुआ था, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उससे पहले ही जन्मे थे 1942 में, 5 साल पहले। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको मिस्टर राजेश खन्ना सर की सारी जानकारी बताएंगे कि कैसे क्या उन्होंने फिल्म हिस्ट्री में आके आज अच्छा खासा नाम गेन किया है और आज जो हमारे बीच नहीं है, तो उनका घर हम दिखाएंगे और सारी जानकारी देंगे। तो वीडियो में बने रहें हमारे। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, यह है मिस्टर राजेश खन्ना सर का घर और इनकी पत्नी जो कि डिंपल कपाड़िया थी, और इनके दो बच्चे थे, एक का नाम था ट्विंकल खन्ना और एक और था, आप डिस्प्ले में नाम शो कर सकते हो, मुझे याद नहीं आ रहा। बट दोस्तों देख सकते हैं ये मिस्टर राजेश खन्ना सर का घर है और उसके इस पार दोस्तों समंदर का क्या प्यारा नज़ारा है, आप लोग दोस्तों देख सकते हो यहाँ से। और हम चलते हैं उस पार, आपको मेन डोर भी दिखाते हैं, मेन गेट, और वो बिल्डिंग्स जो कि इस टाइम अभी कोई नहीं रहता है, क्योंकि राजेश खन्ना जो कि बॉलीवुड के पुराने बादशाह कहे जाते हैं, जो आज हमारे बीच नहीं है। तो दोस्तों हम चलते हैं, आपको मेन गेट दिखाते हैं। दोस्तों सामने गेट है और वो बिल्डिंग्स है, चलते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये है राजेश खन्ना सर के घर का गेट, जहाँ पर लिखा है आशीर्वाद। जी हाँ दोस्तों, आशीर्वाद इस बिल्डिंग का नाम है आज भी। और आप दोस्तों देख सकते हो ये बिल्डिंग्स का कुछ इस प्रकार से नज़ारा है और काफ़ी ही अच्छी बिल्डिंग्स है, और इस टाइम अभी कोई नहीं रहता इस बिल्डिंग में। आप दोस्तों देख सकते हो, मैं थोड़ा सा जूम करूं तो आप देख सकते हो वहाँ पे कांच लगे हुए हैं, जहाँ से आपको समंदर का पूरा व्यूज़ जो है कि दिखाई दे सके। दोस्तों आप सामने देख सकते हो समंदर है। दोस्तों मिस्टर राजेश खन्ना ने अपनी फिल्म कैरियर की शुरुआत जो कि 1969 ईस्वी में आराधना फिल्म से की थी। दोस्तों ये ऐसे एक्टर थे जिनकी लगभग 15 से ज़्यादा फिल्में लगातार सुपरहिट हुई थी। इनकी कई सारे फिल्में हैं दोस्तों, जैसे कि आपको मैं बताता चलूँ तो फाक, खामोशी, बंधन, दो रास्ते, और उसके बाद इनकी एक फ़िल्म और ही अच्छी आई थी जिसका नाम था स्वर्ग, जिसमें गोविंदा सर रहते हैं और राजेश खन्ना जी बड़े भाई का रोल निभाते हैं, और गोविंदा जो रहते हैं, गोविंदा सर वो नौकर का काम करते हैं, उनके घर पर एक घर के देखभाल करते हैं, ऐसा आप कह सकते हो। तो दोस्तों आप लोग देखते रहिए राजेश खन्ना, जो कि हमारे बीच नहीं है, मगर उनकी यादें आज हमारे दिलों में ज़िंदा हैं और जिनके घर को आज हम सभी लोग देखने आते हैं। और जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं हमारे पीछे मिस्टर राजेश खन्ना सर का ये घर है, बिल्डिंग। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताता चलूं तो मिस्टर राजेश खन्ना जी राजनीति में भी अपना कदम रखे थे। दोस्तों 1991 यानी 1991 में इन्होंने दिल्ली लोकसभा से सांसद रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस सीट से सांसद रह चुके हैं, और जो कि फिल्म हिस्ट्री में भी अपना अच्छा खासा नाम गेन किया और लगभग 180 फिल्मों से ज़्यादा इन्होंने बनाई हैं। और दोस्तों यह था आज का हमारा ब्लॉग, जिसमें हमने आपको मिस्टर राजेश खन्ना जो कि पुराने बादशाह कहे जाते हैं बॉलीवुड के, उनका घर दिखाया है और उनके बारे में जानकारी दी है। और अगर आप उनके घर आना चाहते हैं तो उनके घर का एड्रेस मैं आपको बताता चलूँ, तो दोस्तों आपको बांद्रा आना होगा और फिर बांद्रा से आपको दोस्तों बांद्रा हिल है, जो कि आपको वहीं पे आना पड़ेगा, कांटा रोड, कांटा रोड पे ही आपको कई सारे एक्टर के घर मिलेंगे और वहीं पे जो है दोस्तों आपको राजेश खन्ना सर का भी घर मिलेगा।
तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। तो फिर मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट सेलिब्रिटीज़ के घर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।